कैसा फील हुआ था, किस तरह से देख रहे थे? जी, उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाए। और ये पूरा जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा, तो उसी का ये सिम्बलिज्म था कि हम सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कैसा फील हुआ था, किस तरह से देख रहे थे? जी, उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाए। जिस तरह से आप लोग आई थी विपक्ष को, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि विपक्ष को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग आई थी तो संविधान की खोपियों के साथ आई थी, प्रोटेस्ट करते हुए आई थी, इसको लेके क्या संदेश देने की कोशिश की? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिम्बोलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं, तो और ये पूरा जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा, तो उसी का ये सिम्बोलिज्म था कि हम सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है नीट का, जिस तरह से पेपर लीक के सामने मामले आए उसको लेकर के आप लोग भी उठा रही, बार बार सरकार से पूछ भी रही है लेकिन सरकार बोल नहीं रही, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से, तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए खास तौर पर, तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार बार ना आए। थैंक यू।